हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे फॉर द क्लास 10th। तो इसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी ट्रिग्नोमेट्री का एंड जो भी बेसिक्स चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सारी हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट स्टार्ट। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? आई वॉन्ट टू से वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक कि आज का मेरा टारगेट है कि दैट आई शुड गेट 1000 लाइक्स फॉर दिस टॉपिक। सो प्लीज आप लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए एंड कोई कमेंट जरूर कीजिए रिगार्डिंग द ट्रिग्नोमेट्री कि आपको कैसा लगा एंड दैट्स इट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रिग्नो मीन्स, पहले मैं आप लोगों को इसको मीनिंग बता रही हूँ कि ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्राइंगल, राइट? ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल में होते हैं थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स होते हैं। तो ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल और मेट्री मीन्स मेजर। मेट्री मीन्स मेजर, इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है? तो हेंस ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल, ठीक है? जिससे कि हम उसके तीन साइड से तीन एंगल्स निकाल सके अगर कोई एक या दो साइड हमें दे रखी है तो। तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां करते हैं? मेन क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि व्हाई वी यूज ट्रिग्नोमेट्री, हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना है। तो मैं आपको बताती हूँ, इफ इट इज गिवन कि दिस इज अ ट्री, ठीक है, एंड इसकी हमें हाइट निकालनी है ट्री की, राइट? तो ट्री जो है आप देखिए कि ट्री ऐसे स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है? अब आप लोग इस ट्री को यहां से देख रहे हैं, दिस इज द पॉइंट कि आप लोग इस ट्री को यहां से देख रहे हैं, तो दिस इज योर आई, ओके? और आप इस ट्री को यहां से देख रहे हैं और ये बेस है ट्री का। बेस मतलब जहां पे वो खड़ा है ग्राउंड पे, तो यहां से आपने ये ज्वाइन किया, ठीक है? तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और आप इस ट्री को यहां पे देख रहे हैं ऊपर, ठीक है? तो आप किस एंगल पे देख रहे हैं? हम फॉर एग्जांपल एक एंगल ले लेते हैं थीटा। थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, थीटा हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, इट्स एन एंगल, ये कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है? तो इस एंगल के थ्रू हम लोग ये एच ट्री की हाइट निकालेंगे। तो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो अब ये हाइट ऑफ द ट्री हो सकती है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो सकती है, हाइट ऑफ द कुतुब मीनार हो सकती है, या रिवर से लेके उसके ऊपर स्काई तक की हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। एक ये होते हैं, यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। या हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो भी हम निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, स्लैंटिंग हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन वन थिंग शुड बी नोटिस दैट कि ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे हमेशा, ठीक है, 90 डिग्री से। तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपको ऑलरेडी पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, राइट? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है? 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है, या आप बोल लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। एंड ये एक एंगल आपका बन रहा है जिस एंगल से आप देख रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड हो गए, ये हो गया हमारा अपोजिट, और ये जो होता है हमारा बेस होता है, राइट? 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल से हम देख रहे हैं, दिस इज थीटा ना, तो थीटा कि जो ये साइड है इसको हम बोलेंगे बेस, क्योंकि ये ट्राइंगल कहां पे खड़ा है? इसके ऊपर, तो इसको बोलेंगे बेस। और इसके ये वाली साइड क्या होगी? अपोजिट साइड होगी, ठीक है? तो आपको ये चीज याद रखनी है बस। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, राइट, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं। एंड ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ये पता होने के अलावा आप इसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे, ठीक है? ये आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, ठीक है?
तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी एंड सी। ये हमारा थीटा हो गया, थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, इसको हमने ऐसे एक नाम दे दिया थीटा। आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस जो राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ये आप लोगों को आई सपोज कि पता होगा, आप पता होना चाहिए। अब जो थीटा है, थीटा की जो अपोजिट साइड है इसको हम लोग अपोजिट साइड का ही नाम देंगे, दिस इज अपोजिट। एंड जो थीटा की ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इसको बोल देंगे हम एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब कि साथ वाली साइड, ठीक है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ वाला। तो ये हो गई हमारा एडजेसेंट। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो फर्स्ट रेशियो है दैट इज साइन साइन थीटा, क्योंकि हम थीटा के लिए निकाल रहे हैं। आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं, आप साइन सी सी निकाल दो, या कोई यहाँ ए लिखो तो ए लिख दो, मैंने थीटा लिख दिया तो मैंने साइन थीटा लिख रही हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा इसका क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देख लो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज में क्या आएगा, अपोजिट क्या हो गया ए बी। अब ऐसे ही कोई सम आएगा आपको कि फाइंड द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द गिवन ट्रायंगल, तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर जो भी गिवन ट्रायंगल होगा वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि साइन थीटा जो है उसके अपोजिट में कौन सी साइड है। मेरे यहाँ पे ट्रायंगल में अपोजिट साइड है ए बी, तो मैंने ए बी लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो मैं यहाँ पे ए सी लिख दूंगी, राइट। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट है हमारी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो एडजेसेंट, अब थीटा के साइन थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है ये, ठीक है। तो एडजेसेंट कौन सी है, सी बी, मैं लिख दूंगी सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो ए सी लिख देंगे, ठीक है। अब कॉस के बाद क्या आएगा, टैन आएगा हमारा, टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अब टैन थीटा यहां से कैलकुलेट करेंगे, ऑपोजिट क्या है, दिस वन ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहां पे मैं एक लाइन इसको डिवाइड कर देती हूं। अब मैं नेक्स्ट थ्री करूंगी, अब क्या करूंगी, कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, ठीक है। अब आपको रिलेशन भी पता चल रहा होगा कि साइन का और कोसेकेंट का रिलेशन, देखिए यहां पे है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पे हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। साइन और कोसेकेंट क्या हो गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। यहां पे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, उल्टा हो जाएगा। अब कॉस का क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है, sec थीटा, sec थीटा इसका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो एक रिलेशन आपको समझ में भी आ गया। tan का क्या हो जाएगा, cot, अब cot थीटा का क्या होएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, टैन का होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखे। टैन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट ए बी, और एडजेसेंट क्या था, सी बी, ठीक है, सॉरी बेटा सी बी हो गया। तो अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन ऑपोजिट ए बी हो जाएगा। तो ये इसके रेसिप्रोकल हैं सबके, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, और टैन का रेसिप्रोकल हमारा कॉट है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम लोग इनके रिलेशंस में आपको बताऊंगी कि ये जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करते हैं, राइट। तो आप एक बार ये देख लीजिए, ये आपको लर्न करना होगा, ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ जाएंगे। तो एक बार कर लेंगे तो आपको ये लाइफ लॉन्ग कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन कैसा होता है वो बताती हूँ, एक दूसरे से वो किस तरीके से कनेक्टेड है। अभी भी पहले मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec θ और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin θ, राइट। इसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू 1/secant θ और secant थीटा इज इक्वल टू 1/cos θ, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot θ और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan θ, राइट। तो ये एक रिलेशंस हो गए, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि साइन थीटा कोसेकेंट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, कॉस और सीकेंट और टैन और कॉट। अब टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। बिकॉज अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को करोगे तो, और टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और इन दोनों को अगर डिवाइड करके देखोगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ही आएगा, राइट। इसी तरीके से tan थीटा साइन अपॉन कॉस हो गया, और cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि tan और cot भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, ठीक है। ये आप देख लीजिए, तो ये सब चीजें आप लोगों को ना जब आप सम्स करेंगे ना तो ये सब चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पे क्या चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दो तीन रिलेशंस और हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूं। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, कैसे कैसे हुआ कि 1 आया। अब आपको पता ही है tan थीटा इंटू cot थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/tan θ, tan थीटा से tan थीटा कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो आंसर 1 आएगा, हम sin थीटा इंटू cosecant थीटा करेंगे तो भी 1 आएगा, और हम लोग cos थीटा इंटू secant थीटा करते हैं तो भी 1 आता है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है इस वजह से। तो ये सब चीजें भी आप अपने सम्स में यूज करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एंड दीज आर सम स्पेसिफिक वैल्यूज जो आपको आगे सम्स करने में इंपॉर्टेंट है। तो हम 0 degree, 30, 45, 60 and 90 डिग्रीज की वैल्यूज निकालेंगे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। अब आपको एक टेबल बना लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वर्टिकल, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कॉलम्स और रोज बना लेने हैं, ठीक है। उस तरीके से आप 0, 30, 45, 60, 90 और यहां पे लिखना है साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट एंड कॉट, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है। अब आपको यहां से स्टार्ट करना है, ये कौन सा, ये हम इसको ले लेंगे कि ये 0 नंबर का टेबल है, ठीक है। अब ये है 1, ये है 2, ये 3 एंड ये 4, 4 हो गया, ठीक है। कितने बन गए हमारे, 4 बन गए, 4 वर्टिकल ये बन गए हमारे कॉलम्स बन गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 0, 1, 2, 3 एंड 4 है, इनको हमें 4, 4 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, राइट। अब ये ध्यान से देखते रहिए जो मैंने किया है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इन सबको रूट लगा दीजिए, ऊपर सबको रूट लगा दीजिए आप, ठीक है। अब इन सब की जो वैल्यूज हम निकालेंगे वो साइन की वैल्यूज आएंगी। अब 0/4 मैं आपको यहां पे अलग से करके दिखाती हूं, 0/4 का रूट क्या होगा,
जीरो बाय फोर क्या होता है, जीरो, जीरो का रूट क्या होगा, जीरो। तो यहां पे साइन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, अब करिए वन बाय रूट वन बाय फोर। ठीक है, अब ये क्या होता है, वन का हम वन स्क्वायर लिख सकते हैं और फोर का हम क्या लिख सकते हैं, टू स्क्वायर। तो अब टू स्क्वायर का ये रूट है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, वन, और ये क्या हो जाएगा ऊपर हुआ, ये भी वन हो जाएगा। तो अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, वन बाय टू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 45 के ऊपर क्या आया था, रूट रूट टू बाय फोर, क्या आया था, रूट टू बाय फोर। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर का तो रूट टू ही रहेगा, इसका पेयर नहीं बना सकते, नीचे का क्या हो जाएगा, रूट फोर का क्या बन जाएगा, टू। ठीक है, लेकिन अब हम इसको क्या करना है, हम रूट टू को कैसे लिख सकते हैं, हम रूट टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। रूट टू टू को कैसे लिखते हैं, रूट टू इंटू रूट टू। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, टू होता है, और ऊपर आ गया रूट टू। अब रूट टू से रूट टू कट गया तो इसका आंसर क्या बन गया, वन बाय रूट टू। तो साइन 45 डिग्री क्या आ जाएगा, वन बाय रूट टू। ठीक है, अब रूट थ्री बाय फोर है, ठीक है, अब रूट थ्री बाय फोर इसका रूट, रूट थ्री का तो रूट थ्री रहने देंगे, और फोर का रूट, फोर का रूट क्या होता है, टू होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट थ्री बाय टू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब फोर बाय फोर क्या होता है, फोर बाय फोर वन होता है, और वन का रूट क्या होता है, वन हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल था। तो आपको ये साइन की वैल्यूज आ गई हमारी, राइट। अब साइन की वैल्यूज आ गई तो आपको कॉस की वैल्यूज कैसे निकालनी है। ठीक है, आप ये टेबल एग्जाम टाइम में साइड में बना सकते हैं, फटाफट से बन जाएगा, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, वही मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें। कॉस का क्या करना है, अब साइन का आ गया, कॉस का क्या करूं, यहां से उल्टा लिख दो, ये वन है पहले इधर लिख लिया वन, उसके बाद रूट थ्री बाय टू है, ये रूट थ्री बाय टू इधर लिख दिया, फिर ये वन बाय रूट टू तो ये वन बाय रूट टू तो इधर ही आ जाएगा हमारा। अब ये वन बाय टू तो ये वन बाय टू इधर लिख देंगे और जीरो का इधर लिख देंगे। ठीक है, सिंपल। अब मैंने आपको बताया अभी जब हमने रिलेशंस किए थे रेशियोज के बीच में, तो मैंने आपको बताया टैन क्या होता है, टैन होता है हमारा साइन अपॉन कॉस होता है टैन। ठीक है, तो टैन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, साइन अपॉन कॉस करके। तो टैन टैन जीरो डिग्री क्या होएगा, जीरो अपॉन वन, तो जीरो अपॉन वन मीन्स जीरो। ठीक है, जीरो अपॉन वन जीरो। अब वन बाय टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाय टू, तो अब इसको कैसे करेंगे, वन बाय टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाय टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वन बाय टू डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, और इधर वाला रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये आ जाएगा रूट थ्री। टू से टू कट गया, आंसर कितना आया हमारा, वन बाय रूट थ्री। ठीक है, बस इसी तरीके से। अब वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू, अब वन बाय रूट टू को वन बाय रूट टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो वन ही आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, रूट थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू। ठीक है, अब रूट थ्री बाय टू मल्टीप्लाई टू बाय वन, टू से टू कट गया, आंसर आ गया रूट थ्री, राइट, रूट थ्री आ गया। अब ये वाला क्या है, वन बाय जीरो, वन बाय जीरो क्या होता है, वन बाय जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब हम लोग टैन की वैल्यू निकालेंगे 90 डिग्री, तो हमें करना होगा वन बाय जीरो, एंड वन बाय जीरो क्या होता है, वन बाय जीरो होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो साइन कॉस एंड टैन आपको आ गया, इजी था, सिर्फ हमने साइन की वैल्यूज के लिए निकाला था ऊपर, जीरो वन टू थ्री फोर करके, उसके बाद सबके नीचे फोर फोर लिख दिया, उसका रूट निकाल दिया, वो मैंने अभी आपको सिखाया है, राइट। कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज रिपीट वीडियो रिवाइंड कीजिए और देखिए। अब हमें पता है कि अभी रिलेशन हमने जब किए थे कि हमें पता है कि साइन और कोसिकेंट में रिलेशन होता है। ठीक है, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, ये साइन था जीरो, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, तो जीरो बाय वन है। ठीक है, लेकिन अब हमें कोसिकेंट निकालना है तो क्या करेंगे, वन बाय जीरो। ठीक है, आप इसको इससे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, अब इसको इससे कनेक्ट करेंगे एंड कॉट को इससे कनेक्ट करेंगे, राइट। अब हमें सबके रेसिप्रोकल्स देखने हैं कोसिकेंट के लिए, ये जीरो है, जीरो बाय वन, तो वन बाय जीरो क्या होता है, अभी मैंने बताया वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड। ठीक है,
आप 1/2 उसका उल्टा कर दो, 2/1 तो 2 हो गया, ठीक है। अब 1/√2 उसको उल्टा कर दो, √2 हो गया। √3/2 उसको उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा, 2/√3, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, 1/1 का उल्टा 1/1, तो इसका मतलब ये तो हमारा 1 ही आएगा। अब आप cos का उल्टा कर दो, 1/1 √3/2 2/√3, ठीक है। 1/√2 √2, 1/2 2, 0/1, ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, क्या है 0/1, तो 1/0 करेंगे तो देन अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये आ जाएगा। अब cot का कर दो, cot का tan के 0/1 1/0 तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 उल्टा कर दो तो √3/1, √3/1 मीन्स √3, 1/1 मीन्स 1, √3/1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, √3/1 तो मीन्स 1/√3, ठीक है। अभी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या था, नॉट डिफाइंड था हमारा 1/0। अब इसको उल्टा करेंगे अगर 1/0 का तो क्या देगा, 0/1, तो 0/1 क्या होता है, एनीथिंग, 0/anything क्या होता है, 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, बस आपको ये साइन की वैल्यू थोड़ी निकालने आनी चाहिए, उसके बाद आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ के ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए जरूर से एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एंगल मैंने ले लिया थीटा और एक एंगल ले लिया मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा और एक एंगल ले लिया थीटा, तो अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 90। अगर आप इसको इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ दे सम इज 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करेंगे, ठीक है। अब साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। एंड टेन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, का क्या बनेगा, कॉट थीटा बनेगा, ठीक है। और सीकेंट 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा बनेगा। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बनेगा, ठीक है। और कॉट 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा बनेगा। एंड सीकेंट 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा बनेगा, ठीक है। तो कॉट और टैन यहां पर रिलेटेड है, और सीकेंट और कोसिकेंट, ठीक है, और कॉस और साइन, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलूं। नाउ लास्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगी, ठीक है। ये सब आपको लर्न होना चाहिए, आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मीन्स इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटीज है। आप फॉर्मूलाज कुछ भी बोल सकते हो कि ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम करेंगे तो 1 आएगा। अब ये एक आइडेंटिटी है, इससे हम और दो डिराइव कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, अब मैं चाहती हूं कि इसमें से मैं साइन स्क्वायर थीटा निकाल दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या निकलेगी इसमें से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वन कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, जब इक्वल्स टू के इधर या उधर हम लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा हो गई। अब एक और क्या हो जाएगी इसमें, सही, अगर मेरे को कॉस स्क्वेयर थीटा निकालनी है तो कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, राइट। तो एक आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन, इसमें से हमने दो आइडेंटिटीज और निकाल ली, ठीक है, फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा। अब सेकेंड आइडेंटिटी है वन प्लस टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब वन प्लस टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, यहां से अगर मैं मुझे क्या निकालना है, अगर मैं सीकेंट स्क्वेयर थीटा निकालना चाहती हूँ, यहां से सीकेंट स्क्वेयर थीटा तो सॉरी मेरे पास निकला हुआ है, अगर मैं यहां से टैन स्क्वेयर थीटा निकालना चाहती हूँ, मैं टैन स्क्वेयर थीटा निकालना चाहती हूँ यहां से, तो मैं क्या करूंगी, सीकेंट स्क्वेयर थीटा और ये वन उधर लेके चले जाऊंगी इक्वल्स टू के उधर, तो क्या आ जाएगा माइनस वन, टैन स्क्वेयर सीकेंट टैन स्क्वेयर थीटा क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन, और एक और आइडेंटिटी क्या आ जाएगी यहां से, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये सीकेंट स्क्वेयर थीटा था, टैन स्क्वेयर थीटा उधर लेके चले गई तो वन आ गया, तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ये एक हो गई, ये दो गई, इनमें से हमने और दो दो निकाल ली, ठीक है। तो आपको ये लर्न करनी है, उसमें से आप वो निकाल सकते हो, बट सम करते हुए तो आपको ये पता होना चाहिए आपको कि आपको कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। एंड मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगी कि ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, जितना करेंगे उतना ही आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्यादा फाइन होता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट आइडेंटिटी एक और बता देती हूँ, लास्ट हमारी थर्ड वाली है, वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब यहां से भी वही, अगर मेरे को अगर मुझे कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा करना है तो क्या आ जाएगा, वन कोसिकेंट स्क्वेयर ये था, माइनस उधर चला, कॉट माइनस कॉट स्क्वेयर उधर चला गया, वन बच गया, ठीक है। एक और कौन सी निकल जाएगी यहां से, वही कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन, ये वन उधर ले गए, यहां बच गया कॉट स्क्वेयर थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई जो आपको काम आएंगी सम्स सॉल्व करने, ठीक है। तो नाउ द टॉपिक इज ओवर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, होप यू लाइक द वीडियो एंड द वे ऑफ माई टीचिंग। तो प्लीज आप ये लाइक का बटन दबा दीजिए जिसपे एल लिखा हुआ है, एंड चैनल को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कोई कमेंट जरूर कीजिए प्लीज। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच।